नमः शिवाय। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सभी प्रकार के भौतिक सुख और धन के कारक शुक्रदेव उदित होने वाले हैं, तो इसका कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। देखिये, 10 जुलाई 2024 को सुबह 7:59 पर जो शुक्र हैं वो कर्क राशि में अस्त अवस्था को त्याग कर उदित होने वाले हैं, यानी काफी प्रभावी होने वाले हैं, काफी बलवान होने वाले हैं। और 31 जुलाई 2024 तक देखिए ये काफी प्रभावी अवस्था में कर्क राशि में गोचर करने वाले हैं। हालांकि एक वर्ष तक ये काफी प्रभावी रहेंगे। तो शुक्र के उदय होने से सभी राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव पड़ने वाला है। कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव पड़ेगा, यही जानकारी हम कन्या राशि वाले जातकों को देने वाले हैं। किन किन क्षेत्रों में कन्या राशि वाले जातकों को शुभता मिल सकती है और कहां पर कन्या राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। देखिए, शुक्र ग्रह के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए तो कन्या राशि वाले जातकों, ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को एक शुभ ग्रह माना जाता है और इनको मान्यताओं के अनुसार दैत्यों का गुरु भी माना जाता है। शुक्र ग्रह वृषभ राशि और तुला राशि के स्वामी माने जाते हैं। अगर किसी भी राशि के जातक की जन्म कुंडली में यह प्रभावी और बलवान अवस्था में विराजित हो तो देखिए जीवन में कई प्रकार की शुभता प्रदान करते हैं। बलवान शुक्र के प्रभाव से जातक के जीवन में आत्मसंतुष्टि और मान सम्मान जीवन के सभी क्षेत्रों में मिलता है। शुक्र अगर प्रभावी और बलवान अवस्था में विराजित हो तो व्यापार के क्षेत्र में बड़ी सफलता, वही क्रिएटिव क्षेत्रों में यानी क्रिएटिव काम जैसे संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, इन सभी क्षेत्रों में कम प्रयासों में ही बड़ी सफलता देखने के लिए मिलती है। और बलवान शुक्र के प्रभाव से जातक के जीवन में प्रचुर मात्रा में भौतिक सुख देखने के लिए मिलता है। सभी प्रकार का मटेरियलिस्टिक सुख शुक्र के प्रभाव से ही प्राप्त होता है और शुक्र के शुभ होने पर वैवाहिक सुखों की प्राप्ति भी जीवन में होती है। अगर ये पीड़ित अवस्था में जन्म कुंडली में विराजित हो तो क्या रिश्तों को लेकर काफी तनाव देते हैं, धन काफी ज्यादा जीवन में कम रहता है। पीड़ित शुक्र के प्रभाव से डायबिटीज की समस्या, यौनांगों में जननांगों में बीमारियां होने लगती है, वायु जनित और कफ जनित बीमारी भी होने लगती है तथा शुक्र के पीड़ित होने पर जातक को लगातार मानसिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। तो भाई हम आपको बताते हैं कि कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव मिलने वाला है। कन्या राशि वाले जातकों, ये जानकारी जो है वो आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, आप इसे इसी आधार पर देखें। कन्या राशि वाले जातकों के धन भाव और वैवाहिक आपके भाग्य भाव के स्वामी शुक्र माने जाते हैं। 10 जुलाई 2024 को आपके राशि के 11th हाउस यानी आपके लाभ भाव में उदित होने जा रहे हैं। कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में कई प्रकार की सकारात्मकता इस समयावधि में आपको मिलने वाली है। देखिए, सबसे पहले तो कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में शुभता मिलने वाली है। कन्या राशि वाले जातकों, यदि आपको पिछले समय से आपके विचारों में काफी द्वंद बना हुआ है या बार बार आपके जो डिसीजन है, आपके जो निर्णय है वो गलत साबित हो रहे हैं, इस समयावधि में कन्या राशि वाले जातकों के निर्णयों में मजबूती काफी ज्यादा बनी हुई रहने वाली है और इसकी वजह से कन्या राशि वाले जातकों को कर्म क्षेत्र में जो अनिश्चितता आपके जीवन में चल रही है उससे आपको निजात मिलेगा। कन्या राशि वाले जातकों या आपके धनेश माने जाते हैं यानी धन भाव के लॉर्ड माने जाते हैं और आपके लाभ भाव पर विराजित रहेंगे, तो इस समयावधि में जो कन्या राशि वाले जातक हैं काफी हद तक कई क्षेत्रों से धनार्जन करने में
सफल रहने वाले हैं। उसके साथ साथ कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में देखिए परिवार का जो वातावरण है, यदि आपके परिवार का वातावरण किसी भी प्रकार से नेगेटिव बना हुआ है तो इस समयावधि में पारिवारिक सकारात्मकता भी कन्या राशि वाले जातकों को मिलने जा रही है। और कन्या राशि वाले जातकों आपके नवमेश यानी आपके भाग्य भाव के भी लॉर्ड माने जाते हैं। तो वर्तमान में कन्या राशि के ऐसे जातक जो एजुकेशन फील्ड में जुड़कर अध्ययन कर रहे हैं, तो इस समयावधि में एजुकेशन सेक्टर में जुड़े हुए जातकों के लिए सकारात्मकता बढ़ने वाली है। जो जातक किसी प्रकार के परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं या किसी प्रकार के परीक्षा प्रतियोगिता में यदि आप बैठना चाहते हैं तो इस समयावधि में आपको जबरदस्त परिणाम मिलने वाला है। और कन्या राशि वाले जातक पिछले समय से ही, चूंकि आपके वैवाहिक भाव पर राहु की मौजूदगी बनी हुई है जिसकी वजह से कन्या राशि वाले जातकों को वैवाहिक जीवन में लगातार समस्याएं मिल रही है और आपको परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है, तो यहां पर देखिए आपके लिए वैवाहिक सकारात्मकता शुक्र के शुभ प्रभाव से आपको मिलने वाली है। या प्रेम जीवन में जिन कन्या राशि वाले जातकों का जुड़ाव है उनके लिए भी इस समय शुभकारी रहने वाला है। इस प्रकार का प्रभाव कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में बना हुआ रहेगा। कन्या राशि के जो जातक वर्तमान में हेल्थ इश्यूज आप देख रहे हैं, किसी प्रकार का स्वास्थ्य जनित दुष्प्रभाव यदि आपके जीवन में बना हुआ है तो यह समय आपके जीवन में स्वास्थ्य में रिकवरी भी करवाने वाला है। सेहत के मामले में चल रही समस्याएं कन्या राशि वाले जातकों के जीवन से दूर होने वाली है। तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए अगर धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो कन्या राशि वाले जातकों को इस समयावधि में शुक्र जनित दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए कन्या राशि वाले जातकों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करना काफी शुभकारी रहने वाला है। उसके साथ साथ कन्या राशि वाले जातकों इस समयावधि में 11th हाउस पर शुक्र की मौजूदगी बनी हुई है, तो इस समयावधि में यदि आप डोनेशन करते हैं, दान करते हैं, सफेद चीजों का यदि आप दान करते हैं तो भी समय आपके जीवन में काफी श्रेष्ठ रहने वाला है। इसलिए कन्या राशि वाले जातकों को दही, शक्कर, चावल, मिश्री, कपास, इनमें से किसी भी चीज का दान यदि आप जरूरतमंद लोगों में करते हैं तो आपके जीवन में शुभता काफी ज्यादा मिलने वाली है। साल 2024 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थिति निर्मित करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।